4K सिनेमा ने अभी हाल ही में प्रेम और इश्क की फिल्म का निर्माण किया है। 8 मार्च को ये फिल्म पूरे देश के साथ साथ तादनगरी के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। शुक्रवार को कारगिल पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में फिल्म से जुड़े लोगों ने फिल्म के पोस्टर को विमोचित किया। ताजनगरी में अभी हाल ही में 4K सिनेमा ने प्रेस और इश्क फिल्म का निर्माण किया है। शुक्रवार को कारगिल पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में फिल्म से जुड़े लोगों ने फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया। ये प्रेम और इश्क एक रोमांटिक फिल्म स्टोरी है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। ये एक आगरा में फिल्म आई प्रेम कहानी है, पारिवारिक व सामाजिक फिल्म है। इसमें फूहड़ता और अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, इसको परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। आगरा के कलाकार हैं, आगरा के ही निर्माता हैं, तो आगरा की पब्लिक से मैं अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को जाके जरूर देखें सिनेमा हॉलों में। कब ये रिलीज हो रही है? ये 8 मार्च को रिलीज़ हो रही है आगरा और उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में। आगरा में चित्रा टॉकीज और हीरा टॉकीज में रिलीज़ हो रही है। प्रेम और इश्क जो है, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन सब आगरा से बिलोंग करते हैं और ये एक पारिवारिक मूवी है। हर आदमी अपने परिवार को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस मूवी को देखें ताकि अभी आगरा वालों का उत्साह वर्धन हो और आगे भी इसी तरह की मूवियां बनती रहें। प्रेम और इश्क फिल्म की शूटिंग ताजनगरी की विभिन्न लोकेशन पर हुई है। इस फिल्म में सभी कलाकार आगरा से हैं। फिल्म के पोस्टर रिलीज कार्यक्रम में मौजूद साई एक्सपोर्टर्स के निदेशक नारायण बरहानी ने 4K सिनेमा को इस फिल्म निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मेरा योगदान एक बतौर दर्शक के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में सभी कलाकारों को, जो जिन्होंने भी आगरा के कलाकारों ने काम किया है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये फिल्म इतनी साफ सुथरी है, प्रेम और इश्क जैसे हम सामूहिक रूप से घर में बैठ के भोजन करते हैं तो वो बहुत ही सुपाच्य होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह फिल्म इतनी साफ सुथरी है कि इसे हम सपरिवार सिनेमा हॉल में देखने जा सकते हैं। और ये जैसा कि मुझे इनवाइट यहाँ किया है, और ये प्रेम और इश्क जो फिल्म यहाँ आगरा से निकली है, ये आगरा के लिए बड़ा गौरव का विषय है। अभी तक फिल्में मुंबई से निकलती थी, अब तकनीकी दृष्टि से और धरा की दृष्टि से कि यहाँ सोशल पूरा हमारा साथ होता है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। 4K सिनेमा से जुड़े लोगों को प्रेम और इश्क फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।